जय श्री राम दोस्तों, अयोध्या के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि आप राम मंदिर में दर्शन करने के अलावा अयोध्या में और कौन कौन से मंदिर हैं जिनके दर्शन कर सकते हैं, या फिर और कौन कौन सी जगह हैं जिनको आप अयोध्या में घूम सकते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप रामलला के मंदिर में कैसे दर्शन कर सकते हैं, आपको अपना सामान कहाँ ड्रॉप करना है, लॉकर की क्या फैसिलिटी है और आपको अपने शू वगैरह कहाँ ड्रॉप करने हैं। तो उसका वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप सुगम दर्शन के थ्रू दर्शन करना चाहते हैं, जो कि एक तरीके का पास है, बिल्कुल फ्री है, आप उसे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। उसके लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप चाहें तो सुगम दर्शन बुक कर सकते हैं और उसके थ्रू अपने दर्शन को थोड़ा सा और सरल बना सकते हैं, भीड़ में ना, मतलब भीड़ वाली लाइन में ना लग करके आप अलग से दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और अभी तक कमेंट में जय श्री राम नहीं लिखा है तो जल्दी से वो भी लिख दीजिए। अब हम लोग जा रहे हैं हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए, और इस बार हम लोग हनुमानगढ़ी का किसी दूसरे रास्ते से आए हैं, मतलब मेन रोड के थ्रू आए हैं। और मंदिर में जाकर के देखते हैं कितनी भीड़ है, क्या सिचुएशन है, वो मैं आपको आगे चल करके बताती हूँ। हनुमानगढ़ी पर, और ये जो पीछे देख रहे हैं आप, हनुमानगढ़ी का मंदिर है ये पीछे इधर, और अभी यहाँ पर बहुत भीड़ है। इवन लोग तो ये बोल रहे हैं आज बहुत कम भीड़ है, लेकिन फिर भी भीड़ है। कुछ स्लॉट्स में लोगों को अंदर भेजा जा रहा है और स्लॉट्स के थ्रू ही दर्शन कराए जा रहे हैं, कंटिन्यू नहीं है दर्शन की आप खड़े हैं और दर्शन करते जा रहे हैं, नहीं, स्लॉट्स में भेजा जा कुछ लोगों को, फिर उसके बाद कुछ लोगों को इस तरीके से दर्शन कराए जा रहे हैं। आप हनुमानगढ़ी में कैमरा लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई बैग है, शोल्डर बैग वगैरह, तो आप बाहर जो प्रसाद की शॉप है वहां पर आप इसे ड्रॉप कर सकते हैं। और भीड़ होने के कारण हमारे कुछ इस तरीके से दर्शन हो पाए। तो हम लोग दर्शन कर चुके हैं, अब मैं आगे जाती हूँ दशरथ महल कनक भवन वो देखने, और आपको वहां से दर्शन कराती हूँ। फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं अब राम मंदिर से, हमारे राम मंदिर के दर्शन हो गए हैं, हनुमानगढ़ी के दर्शन हो गए हैं, और अब हम जाएंगे पीछे दशरथ महल, जो कि पीछे आप एकदम जब वो से जाएंगे सीधा, तो जब सामने की ओर आपको जो दिखेगा वो होगा दशरथ महल। और यही पूरा भक्ति पथ है, आप जैसे हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे या जब भी आप हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हैं पहले या बाद में, तो उसके बाद आप दशरथ महल और कनक भवन के भी दर्शन करने यहाँ से जा सकते हैं। जा रहे हैं अब दशरथ महल में, ये जो सामने आप देख रहे हैं दशरथ महल, मैं जनवरी में आई थी तब भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था और अभी भी यहाँ पर रिनोवेशन का काम कंटिन्यू चल ही रहा है। तो अंदर चलते हैं और करते हैं दर्शन दशरथ महल के। जय श्री राम। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, दशरथ जी भगवान राम के पिता थे, ये उन्हीं का महल है। यहाँ पर आपको भगवान राम का परिवार का मंदिर और संकट मोचन हनुमान मंदिर मिलेगा, तो आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, धूप हो गई है बहुत ज़्यादा तेज, अभी बज रहे हैं 12 और ऑलमोस्ट सारे मंदिर बंद हो गए हैं, भोग आरती का टाइम हो गया है अभी। तो अभी कनक भवन अगर हम लोग जाते भी, दशरथ महल में दर्शन हो ही गए और मंदिर बंद हो गया। हाँ जी बोलिए, क्या बोलना है, बोलो बोलो, क्या किया। तो दशरथ महल में दर्शन करने के बाद हम लोग जाने वाले थे कनक भवन, बट मुझे सडनली याद आया कि कनक भवन में भी दर्शन नहीं मिलेंगे अभी, तो हम बाकी के अदर मंदिर भी जाते हैं तो दर्शन नहीं मिलेंगे। तो देखते हैं, अभी जाते हैं वापस होटल और शाम को या फिर
एक घंटे बाद फिर दर्शन करने के लिए आएंगे। तो हमने डिसाइड किया कि हम बाकी के मंदिर नेक्स्ट डे विजिट करेंगे और आज हम लोग रेस्ट करने के बाद पहुंच गए डायरेक्टली सरयू घाट पर आरती अटेंड करने के लिए। ये आरती अराउंड 6 स्टार्ट हो जाती है, तो मेरा सजेशन ये है कि आप यहाँ पहले से पहुंच जाएं, अदरवाइज आपको बैठने के लिए प्रॉपर प्लेस नहीं मिलेगा। आरती को आप अच्छे से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप थोड़ी देर पहले पहुंचें और एक उचित स्थान पाकर बैठ जाएं ताकि आप आरती को अच्छे से सुन पाएं और देख पाएं। इसके अलावा आप सरयू नदी में स्नान भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्नान की बहुत अधिक मान्यता है और आप बोट राइड भी ले सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप मॉर्निंग या इवनिंग का बोट राइड लें क्योंकि बहुत ही अच्छी होती है और बोट राइड के लिए आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन पे करना रहेगा। तो चलिए हम सब मिलकर अब करते हैं माँ सरयू की आरती। और आरती अटेंड करने के बाद आप यहाँ का लेजर लाइट शो देख सकते हैं जो कि राम की पैड़ी नया घाट पर होता है और वॉकिंग डिस्टेंस है सरयू घाट से, मतलब जहाँ पर आरती होती है वहाँ से। तो ये कुछ अराउंड 7 बजे स्टार्ट होता है। समर्स और विंटर्स में इसकी टाइमिंग अलग अलग होती है, तो कुछ 7:30 या 7 के बीच में ये स्टार्ट हो जाता है, तो आप ये भी देख सकते हैं। अभी यहाँ पर कोई भी एंट्री फीस नहीं है। आप यहाँ पर राम की पैड़ी पर बने घाट पर बैठ कर के आराम से लाइट एंड साउंड शो देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फाउंटेन चलाए जाते हैं शो दिखाने के लिए, तो आप इस तरीके से ये शो भी अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं लता मंगेशकर चौराहा, क्योंकि लता मंगेशकर चौराहा, नया घाट, सरयू घाट, राम की पैड़ी, ये सब पास में ही है, तो आराम से आप वॉक करते हुए घूम सकते हैं। और आप धर्मपथ एक बार रात में ज़रूर से देखने जाएं क्योंकि ये रात में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। आगे आप वीडियो में देखेंगे कि लाइटिंग के बाद ये कैसा दिखाई देता है। और ये देखिए धर्मपथ का नज़ारा रात में कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर जो पिलर्स लगाए गए हैं, स्तंभ लगाए गए हैं, उन पर रात में लाइटिंग हो जाती है और वो कुछ सूर्य के आकार के दिखाई देते हैं। और ये रास्ता सीधा जो है फैजाबाद वाले बाईपास को कनेक्ट करता है। आप चाहे तो इसके अपोजिट साइड में जाकर, मतलब पूरा रास्ता क्रॉस करके, वहाँ पर भी बहुत अच्छा एक द्वार बनाया गया है, वो भी देख सकते हैं, या फिर आप मेरे वीडियोज़ के थ्रू वो देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मेरे पुराने वीडियोज़ का, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। और इस बार मैंने यहाँ पर एक और नई चीज देखी कि यहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफर्स आ गए हैं जो कि आपकी अच्छी अच्छी पिक्स क्लिक करते हैं। लाइक जैसे हम कहीं और जाते हैं किसी मॉन्यूमेंट को देखने के लिए, तो वहां पर सारे कैमरामैन दिखाई देते हैं। सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी बहुत सारे कैमरामैन दिखाई दे जाएंगे। और हमने भी यहाँ पर कुछ पिक्स क्लिक कराई और मेमोरीज क्रिएट की। यहाँ पर जो सॉफ्ट कॉपी है उसके लिए आप 20 रुपीज़ पर पिक देना रहता है और हार्ड कॉपी के लिए कुछ 50 रुपीज़। तो आप इस तरीके से अपनी कुछ मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं, कुछ पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हम लोगों ने नेक्स्ट डे के लिए बाकी के जो मंदिर थे उनके दर्शन करने का प्लान किया था, तो वही हम जा रहे हैं। हमने एक हायर किया ई रिक्शा और ये दिन था होली वाला, जिस दिन होली खेली जाती है, और इसके पहले हमने जो दर्शन किए थे रामलला के, वो दिन था होली वाला। तो इस तरीके से हम लोगों ने होली के माहौल में ही अयोध्या के दर्शन किए। और इस दिन हम लोग सुबह से ही निकल गए क्योंकि हमें लग रहा था दोपहर तक अगर होली खेलने लगेंगे लोग तो बहुत भीड़ भाड़ हो जाएगी, तो हम लोग सुबह से ही दर्शन करने के लिए निकल गए। राम की नगरी अयोध्या में होली वाले दिन कुछ ऐसा माहौल था। हमें लगा था कि दर्शन करने के लिए कम श्रद्धालु आएंगे, बट होली वाले दिन भी बहुत सारे लोग थे दर्शन के लिए और होली भी खेल रहे थे कुछ लोग राम की नगरी में। तो इस तरीके से कुछ हमने दर्शन किए।
ये जो आप सामने देख रहे हैं वो है दशरथ महल, और इसी के ठीक पास से जो रास्ता जाता है, ये सामने आप देख रहे हैं, वो जाता है कनक महल के लिए। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं कनक महल और वहां चल के आपको दर्शन कराते हैं। कनक भवन अयोध्या की प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है और ये महल बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ है। जब आप यहाँ पर अंदर जाएंगे तो आपको राम नाम कीर्तन सुनाई देगा, और ऐसा कहा जाता है कि माता कैकेयी ने माता सीता को ये महल उनकी मुंह दिखाई में गिफ्ट किया था। तो तब से ही इस महल में माता सीता और भगवान राम की मूर्ति विराजमान है, जो कि बहुत ही सुंदर सी व्हाइट कलर के पत्थर की आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा कनक भवन के आसपास बहुत सारी फूड शॉप्स अवेलेबल हैं, आप चाहें तो यहाँ पर भोजन कर सकते हैं या फिर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। यहाँ पर थाली सिस्टम भी मिल जाएगा आपको, कनक रसोई करके पास में ही है, आप चाहें तो वहाँ पर भी खाना खा सकते हैं। यहाँ पर मंदिर की टाइमिंग्स लिखी हुई हैं कि मंदिर कब ओपन होता है और कब यहाँ पर भोग आरती के लिए मंदिर उस समय बंद किया जाता है, तो आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके वो चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद आप जा सकते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भवन के दर्शन करने के लिए। ये मंदिर पूरा रामायण को समर्पित है, यहाँ की दीवारों पर आपको सिर्फ और सिर्फ रामायण की पंक्तियाँ उकेरी हुई दिखाई देंगी। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दर्शन कराती हूँ रामायण भवन के। यहाँ पे ये जो है सीताराम नाम बैंक है, जो लोग लिखते हैं कॉपी में सीताराम का नाम, तो यहाँ पे ये बड़ा सा बैंक है जो यहाँ पे सबमिट करते हैं लोग यहाँ पर। और ये आप इतना बड़ा भव्य सा जो कॉरिडोर देख रहे हैं इस पूरे मंदिर में या फिर इस पूरे कॉरिडोर पे, मैं आपको दिखाती हूँ अभी रामायण लिखी हुई है संस्कृत में। और सामने अभी हम देखेंगे यहाँ पर है वाल्मीकि जी की मूर्ति, यहाँ पर उनके शिष्यों के साथ मूर्ति है। यहाँ पर भगवान राम का दरबार नहीं है अन्य मंदिरों की तरह, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इन दीवारों पर पूरी रामायण लिखी हुई है संस्कृत वाली, तो अगर आपको संस्कृत पढ़ना आती है तो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं इसे। और अब हम दर्शन करेंगे श्री वाल्मीकि जी की, जिन्होंने रामायण लिखी हुई है। ये स्पेसिफिकली वही मंदिर है, इसे वाल्मीकि रामायण मंदिर के नाम से जानते हैं। और ये है वाल्मीकि जी की मूर्ति उनके दोनों शिष्यों लव और कुश के साथ, और आज है होली। और ये मंदिर भी काफी बड़ा सा बना हुआ है, इसके पीछे एक हनुमान जी का बहुत सुंदर सा मंदिर है। क्योंकि आज हम थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए थे, वो मंदिर 9 बजे ओपन होता है, तो आज दर्शन नहीं मिल पाए, बट आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियोज में वो मंदिर देख सकते हैं। इसी के ठीक पास में आपको ये बड़ा हनुमान मंदिर दिखाई दे जाएगा, मतलब आप यहाँ पर आएंगे तो दो तीन मंदिरों के आसपास में ही दर्शन करने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर एक एग्जीबिशन गैलरी बनाई गई है जहाँ पर भगवान की लीलाओं को दर्शाया गया है, और इसका टिकट 10 रुपये है, आप चाहें तो ये एग्जीबिशन देख सकते हैं। बहुत ही छोटा सा है, हार्डली 5 मिनट में आप इसे देख करके वापस आ जाएंगे। इसके बाद मैं आपको लेकर चलती हूँ जानकी घाट बड़ा स्थान, और यहाँ के हर मंदिर में आपको राम दरबार देखने को मिलेगा, भगवान राम की ही मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। तो अयोध्या में ऐसे कई सारे मंदिर हैं जहाँ पर आप भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, इन सब के दर्शन कर पाएंगे। क्योंकि इस मंदिर में कैमरा ले जाना अंदर अलाउ नहीं था, तो थोड़ा सा मैं आपको बाहर से ही दिखा रही हूँ, ये मंदिर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। नेक्स्ट जो मंदिर मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ वो थोड़ा सा अलग है। अब हम दर्शन करेंगे चार धाम मंदिर के, मतलब भारत के जो चार धाम हैं वो आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। आप यहाँ पर रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ और जगन्नाथपुरी के दर्शन कर पाएंगे।
अयोध्या के मंदिरों की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे आपको हर जगह राम नाम सीता राम नाम का जप करते हुए हमेशा लोग दिखाई दे जाएंगे। हमेशा यहाँ पे मंदिरों में ये जप चलता ही रहता है। आज देखिए होली वाले दिन जिस दिन होली खेलते हैं कितनी शांति है इस रोड पर, अदरवाइज इस रोड पर बहुत भीड़ होती है। ये जो रास्ता है ये जा रहा है हनुमानगढ़ी दशरथ महल से राम जन्मभूमि की ओर, और आज बहुत शांति है, मस्त आराम से घूम सकते हैं। अभी होली का भी उतना माहौल नहीं दिख रहा है, मतलब इनर साइड ऑफ अयोध्या होगा, लेकिन ये जो मेन जगह है यहाँ पर तो इतना नहीं है। यहाँ पर हो रहा है होली का दहन और हम लोग होली के नेक्स्ट डे हैं अभी। और ये जो सामने है वो दिख रहा है अमावा राम मंदिर। यहाँ पर बहुत अच्छा निशुल्क भोजन मिलता है, अगर आप चाहते हैं निशुल्क अच्छा सा प्रसाद पाना तो आप यहाँ से खा सकते हैं। इवन यहाँ पर निशुल्क लॉकर भी है, अगर आप वहाँ पर जो मेन जो लॉकर सुविधा है वहाँ पर अपने सामान नहीं जमा करना चाहते हैं, लाइन में नहीं लगना चाहते हैं, तो आप यहाँ आकर के भी अपना सामान जमा कर सकते हैं। ये देखिए ये है निशुल्क लॉकर सेवा और यहाँ पे आप अपना सामान जमा कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने पूरे अयोध्या के मंदिरों के दर्शन किए और आपको भी करवाए। आप चाहें तो ये सारे मंदिरों के दर्शन एक दिन में भी पूरे कर सकते हैं और शाम की आरती अटेंड कर सकते हैं, लाइट एंड साउंड शो देख सकते हैं। अगर आपकी ट्रेन या बस रात में है तो आप एक दिन में पूरा अयोध्या आराम से घूम सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा सा टाइम और दीजिए, दो दिन में भी अयोध्या आप घूम सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी आइटिनरी प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट करेगा, मैं रिप्लाई करूंगी। अयोध्या में आप कहाँ रुक सकते हैं उससे रिलेटेड भी मेरे चैनल पर कई सारे वीडियोस हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।